खूबसूरती देख सकते हैं आप, क्रिसमस की इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, रंगीन रंगीन सब है। इसी के साथ हमारे साथ एक यहाँ के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वरुण, करेक्ट? यस, वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण एक एक्टर भी हैं और यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, करेक्ट वरुण? जरूर जानना चाहेंगे यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। बहुत ही अमेजिंग, सभी टीचर्स हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हमेशा हमको अच्छे से रखते हैं एंड बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं सीनियर केजी में था जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था एंड आई कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम योर, सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, हम सब आया तो वी जस्ट केम हियर टू एंजॉय एंड मीट आवर टीचर्स। हम ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग में कैसे गए, कैसे आप एक्टिंग चालू किया और क्या क्या कुछ किया आपने? तो इट्स बीन 10 years आई एम इन द एक्टिंग इंडस्ट्री। अभी तक मैंने 8 films कर चुका हूँ। मैंने नेशनल अवार्ड जीता था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरे फिल्म तुलसीदास जूनियर के लिए। तुलसीदास जूनियर फिल्म थी मेरी बेस्ट एक्टर के लिए। बाकी मेरी फिल्म अभी रिलीज हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे फ्यूचर के हीरो हैं जो हमारे बालाजी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको और आप बहुत आगे बढ़े। अभी अभी आपने देखा है पुशअप चल रहा था, करेक्ट? क्या चल रहा था? प्लैंक। कितने मिनट किया? 1 मिनट। 1 मिनट किया है, गिफ्ट भी मिला है। गिफ्ट जरा दिखा दीजिए। क्या क्या करवा रहे हैं बालाजी के बच्चे लोग? आप कहाँ से हैं? मैं बालाजी 10th standard से, गोरेगांव में रहती हूँ। 10th standard से हैं, नाम भी बताएं। मेघा वैद। मेघा, कैसा लगा ये प्लान करके? इजी लगा, मैं कराटे करती हूँ। करेक्ट यार, कराटे करती है। इनसे हम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको गिफ्ट मिला, थैंक यू सो मच। एक बार हम फिर से, ये बच्चे लोग जो है ना, ये सबको कुछ भी करा रहे हैं। देख लो ये जो बच्चे लोग हैं ना, क्या क्या करा रहे हो तुम लोग? हाँ, लोगों ने देखा कि मैं क्या कर रही थी। जी हाँ, इधर इधर फोकस किया जाए, ये दोनों ने मुझे क्या क्या करवा रहे हैं। अब ये जो मैंने किया है, मेरी सांस भी भूल रही है। क्या गिफ्ट देंगी आप हमको? मतलब गिफ्ट भी खत्म हो गया। तो फाइनली इतना सब कराने के बाद हमको कुछ गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन आप हमारे लिए प्यारा सा पोयम बोलेंगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। एक तो मैंने इतना देर ये करवाया इन लोगों ने और आप मुझे ट्विंकल ट्विंकल बोल के खत्म कर दिया। मैं कोई स्टार हूँ? बच्चा कौन सा स्कूल है? श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल। सुनाई नहीं दिया? श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल। एनर्जी देख सकते हैं आप लोग, बच्चों की एनर्जी देख सकते हैं, कितने एनर्जेटिक बच्चे हैं। क्या करने आए हैं यहाँ पे? जॉय ऑफ गिविंग। जॉय एंड गिविंग का मतलब कौन बताएगा? कार्निवल, कार्निवल लाइक गिव्स गिव्स गिव्स। हाउ टू सेव थिंग्स टू पीपल, बच्चों को भी पता है कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, आप हमें क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? क्रिसमस। जी हाँ, क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है और इसका थीम बहुत खूबसूरत है, जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग मतलब चैरिटी। देयर आर मेनी गेम्स एंड आल्सो व्हिचएवर कूपन यू बाय, इट्स आल्सो ऑल द मनी विल गो टू अ certain orphanage for the those who in need for betterment of people. Oh my god, this is very very talented bacha. What's your name? Suvan Chaudhary. He's a very very talented.
talented. Come. She's tell कि आज का जो motto है वो बताएं. आज का motto है कि हमें charity करना है जिन लोगों के पास सामान नहीं है खाने का. Poor the needy people, उनको हमें कुछ देना है. उसके लिए ये arrange करते हैं. ये जो Christmas celebration है वो किस लिए है? उसका रीज़न क्या है? हमारे यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे. बच्चा बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में. आपका नाम बता के हमको पर्पस बताएं कि ये जो प्यारा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उसका पर्पस क्या है. माय नेम इज़ अनुश्री एंड इफ़ यू आर फेमिलियर विद लिटिल वुमेन फ्रॉम जेन ऑस्टिन देन यू विल नो हाउ द मार्च सिस्टर्स गेव अप दैट क्रिसमस ब्रेकफेस्ट टू द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट हमल फैमिली. This shows the real purpose of Christmas. It's not just to sit with your family, have a fancy dinner, or put Christmas lights. It means the love of sharing with the people, not only the people you're close to, but in fact the unfortunate people, the ones who really need help. श्रेया है. श्रेया हमें बताएंगी पर्पस यहाँ का. किस पर्पस से इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है? So it is rightly said that happiness is a rare commodity. The more you give, the more you receive. So to teach this, our school celebrates the Joy of Giving event every year to teach the students the real meaning of joy. So here the funds that are generated from all the stalls will be given to the school fees for the underprivileged students, and the food rations that were collected in the class earlier will be distributed in the orphanage. Now the school is really taking a nice initiative by teaching the students the real joy, because nowadays students get joy from watching mobile videos and all those. So this is the real joy, the pure joy. So let's be a little generous, let's be a little kind, and make someone's day brighter. Thank you. I'm Alisha Alapat. Alisha, आज आपको बताएंगी कि यहाँ का जो purpose है वो क्या है. So this is a truly magnificent event where our school celebrates Christmas by helping needy people. It's a meaningful and impactful step initiated by our brilliant school leaders and our management to contribute to the community and make a difference. We all live very comfortable lives, but what we don't realize is that there are other people who struggle and don't enjoy the privileges that we do. So whatever donations you can make, they will not be irrelevant. Every contribution counts. Please join me and all my fellow students in making the most of this charitable event. Please take part in the joy of giving. Joy and giving. जी हाँ, जुड़िए और दीजिए. Correct. हाँ, तो आप हमको बताएं इसका meaning. Yes. So joy of giving is a very auspicious festival that our school does. And it's not just the giving, it's also the getting. So the joy of getting increases, it becomes richer when you get, and it becomes better when you make other people's lives better. According to studies, our brain gets activated when we give and get gifts. So I want you guys to feel the feeling, experience it, and spread it everywhere. And lastly, I'd like to say that just enjoy it and feel it. ये एक एनुअल क्रिसमस फेस्ट है जो श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये चैरिटी के बारे में किया गया है जो हम एक कम्युनिटी जैसे हम साथ में आते हैं और एक एक बूंद कर जो हम देते हैं वो एक गुड कॉज के लिए जा रहा है. बिल्कुल सही कह रही हैं. मतलब आपका कहना है का मतलब ये जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं इसके जो कॉस्ट हैं वो आप लोग चैरिटी करने वाले हैं. जी हाँ, हम चैरिटी करने वाले हैं, हम सब स्टूडेंट्स मिलकर. एक बात हमको बता दें, हम आप सबको बता दें कि ये जो खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है एक चैरिटी पर्पज़ से किया गया है. जी हाँ, बालाजी इंटरनेशनल स्कूल ने ये बहुत अच्छी पहल की है. यहाँ से जो भी फंड इकट्ठा होगा वो चैरिटी किया जाएगा. हमने आपको पूरा स्टॉल दिखा दिया है, क्या क्या यहाँ पे बच्चे लोग गेम खिला रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे सेल हो रहा है. अब हम आपको सीधा ले चलते हैं फूड कॉर्नर पे. जी हाँ, फूड कॉर्नर है यहाँ पर, चारों तरफ फूड लगा हुआ. हेलो बच्चा लोग, कहाँ जा रहे हो, ऐसे जा नहीं सकते हो. क्या कुछ खाया तुमने? खा ही रहे हैं. क्या क्या खाया, क्या क्या मजा आया, क्या क्या खाने में बताओ. सबसे अच्छा क्या चीज है टेस्ट किया, हम भी खाएंगे. वो उधर वो स्ट्रॉबेरी वाली लगे, स्ट्रॉबेरी का लगा एकदम. बहुत सही है, बहुत मस्त है. आप कुछ खाए कि नहीं खाए? नहीं, अभी तो नहीं. खाने जा रहे हो. क्या कुछ खाओगे वो भी डिसाइड करना है. अच्छा, डिसाइड करेंगे देख के. चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो बच्चा, ये क्या खा रहे हो तुम? मैं गोला खा रहा हूँ. गोला
बोला? बहुत अच्छा है। और आज क्रिसमस के बारे में क्या बोलोगे? सबको मैरी क्रिसमस। थैंक यू गोला। गोले ने कह दिया है मैरी क्रिसमस। हमारी दीदी लोग हैं, हमारी दीदी लोग जो है वो बहुत मेहनत करती हैं, आप देख सकते हैं। दीदी लोग नमस्कार। क्या क्या दे रहे हैं आप लोग बताएं? हम लोग कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, मिरिंडा, मिरिंडा, थम्स अप, सब कुछ है। बिल्कुल। दीदी क्रिसमस के बारे में क्या बोलेंगी हमें? हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस दीदी। हाँ, और क्या बोलेंगी? और क्या बोलूं? कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी बहुत सारा क्रिसमस का हमको शुभकामनाएं दी। इसी के साथ हम पूरा स्टॉल आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ दीदी? वड़ा पाव समोसा। एनर्जी देख लो, वड़ा पाव समोसा लगा हुआ है। दीदी कितना मजा आ रहा है बताएं? बहुत मजा आ रहा है। क्रिसमस में क्या बोलना चाहेंगी? क्रिसमस बहुत जोरदार में हम लोग का। बिल्कुल। दीदी वड़ा पाव और समोसा यहाँ पे सेल कर रही हैं। और ये हमारी जो दीदी बहुत हेल्दी फूड है, ये जो चना होता है बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए, क्या बोलना चाहेंगी दीदी? चना हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिसमस के लिए? मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर सब। थैंक यू, मेरी क्रिसमस हो गया है। अब आ जाते हैं मैडम, आपका दूर दूर तक तारीफ चल रहा है, दूर दूर तक लोग बोल रहे हैं ये ज़रूर खाना, ये ज़रूर खाना। क्या है अब आप ही बताएं? So this is strawberries with melted chocolate and this is London strawberries. Oh wow, London, हमको वहाँ तक भीड़ तक पता लग गया है कि वो बहुत फेमस है। क्या बोलेंगी क्रिसमस में? मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस एंड यू, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। भैया लोग आप लोग क्या बेच रहे हो? मोमोज। ओह वाओ, ये है मोमोज, देख सकते हैं आप लोग। तो आप ये ना सोचे कि ये जो क्रिसमस पार्टी है वो ऐसे ही जाने वाली है, खा पी के मस्त रहने वाले हैं। आप क्या सेल कर रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज। वैन फ्राइज, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, ये पूरा बना के दे रहे हैं आप? फ्राई करते हैं। अरे वाह, देख सकते हैं यहीं पे फ्राई करके दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक क्या है मैडम ये? This is popping bobas, so it is blue magic popping bobas. मैडम ये मैं लाइफ में पहली बार सुनी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, समझाएं आप। ये if you put it in the mouth, it is a mocktail with popping bobas. So if you put it in the mouth, it will pop. Oh! हमने अभी तक popping वो chocolate खाया था, अब जो black bobas ये liquid में है, बिल्कुल बहुत unique है, बहुत अच्छा, हम जरूर taste करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, दीदी जी क्या बेच रहे हो? बड़ा आज क्रिसमस में खुश हो दीदी, चमक बहुत है चेहरे पे तुम्हारे, बताओ क्या क्या चीज़ें हैं? एक मशरूम पिज्ज़ा है, एक केक है, अरवेज पिज़्ज़ा। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों का फेवरेट है। क्रिसमस में क्या बोलेंगे दीदी? क्या बोलें? हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। ओके थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। हाय बच्चा, क्या खा रहे हो? गोला। हाँ, तुम खुद गोला हो। क्रिसमस में क्या बोलोगे? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, जिंगल बेल। अरे सुना दो दो लाइन जल्दी से। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑन द वे, ऑल द फन इट इज राइड ऑन वन हॉर्स ओपन स्लेई। ग्रेट। अब एक बात सच सच बताना, क्या सेंटा क्रॉस आते हैं कि नहीं आते? रात में हमारे माँ बाप गिफ्ट रखते हैं। सच में? सच में। इधर आ जाओ, फ्रेम पे आ जाओ। ये इसके माँ बाप गिफ्ट रखते हैं, तो कैसे रखते हैं? कैसे कैसे बताओ जरा। जब हम सो जाते हैं रात को, हाँ। वो लोग उठ जाते हैं बेड में से, हाँ। और फिर रख देते हैं गिफ्ट, पहले से मंगा देते हैं, और हम जब स्कूल होते हैं, हाँ। तब वो लोग उसको छुपा देते हैं, हाँ। और फिर रात को हम जब सो जाते हैं वो लोग क्रिसमस ट्री के नीचे रख देते हैं। अरे वाह, तुमको कभी गिफ्ट मिला है ऐसा सरप्राइज? बहुत बार मिला है। अरे वाह, तो मतलब जिंगल बेल नहीं आते हैं, ये मम्मी पापा का कमाल है। हाँ। चलो कुछ नहीं, एंड ऑफ द डे गिफ्ट तो मिलता है ना। करेक्ट करेक्ट। आगे चलते हैं और मैडम का देखते हैं, मैडम के पास क्या है। मैडम जी बहुत खुश है, हैप्पी क्रिसमस, बताएं क्या रखे आप? ये है वेज रोल और कोल्हा पूरी रोल। अरे वाह, रोल है। मैडम क्रिसमस में क्या बोलेंगी? हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। थैंक यू, सेम टू यू। क्या सेल हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे गोला सेल। ओके, यहाँ गोला सेल हो रहा है। क्रिसमस में क्या बोलेंगी?
हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है हमारे पास गोला वाले भैया। गोला वाले भैया कितना जल्दी जल्दी दे पा रहे हो कि नहीं? जल्दी जल्दी। अभी मैडम यहाँ बड़ी बिजी हैं, कूपन पे कूपन लिया जा रहा है। मैडम हैप्पी क्रिसमस, क्या बोलेंगी? आपके स्कूल में इतना खूबसूरत इवेंट चल रहा है, क्या बोलेंगी? विश यू द सेम मैम, एंड पानीपुरी सेवपुरी स्टॉल इज रियली गोइंग बिजी। बोला कूपन लेने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिजी है इनका जो स्टॉल है। यहाँ पे आप भैया जी को देख सकते हो, भैया जी इतना बिजी है। भैया जी नमस्कार, बहुत बिजी है आप। कैसा मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, इनका हाथ ही खाली नहीं है। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत अरेंजमेंट है। अब हम जाते जाते ये जो स्टॉल खत्म हो रहा है, हम टीचर से खत्म करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप आज के इस प्यारे से माहौल के लिए? सर वेरी गुड क्राउड, वी रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स, होप एवरीवन इज एंजॉयिंग द प्रोग्राम। यस, और हैप्पी क्रिसमस मैम। भैया हमारे स्कूल के भैया हैं, भैया जी आप आइए इधर। और ये लोग बहुत मेहनती हैं, हमारे स्कूल के जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं बहुत मेहनती। क्या कहेंगे क्रिसमस के शुभ अवसर पर? हैप्पी क्रिसमस मैम। राजेंद्र जी थे, अब इसके साथ ही आपने फूड का भी स्टॉल देख लिया है। इसके साथ मेरा खुद का बेटा है आरिश शेख, जो यहीं पढ़ता है, इसी स्कूल में पढ़ता है। वो बताएगा मुझे कि क्या खासियत है इस स्कूल की। आरिश आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, आपके स्कूल का नाम बताएं और आपके स्कूल की क्वालिटी बताएं। माय स्कूल नेम इज श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल एंड माय स्कूल क्वालिटी इज वेरी नाइस। एंड एक्टिविटीज कुछ होती है आपके स्कूल में? हाँ बहुत कुछ होता है। क्या क्या? सेकेंड स्टैंडर्ड को जंगल जिम पे लेके जाते हैं, थर्ड को पीटी कराते हैं, योगा कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। बिल्कुल, आपको आपका स्कूल कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जी हाँ, ये है मेरा बेटा जो इसी स्कूल में पढ़ता है और मुझे बहुत प्राउड है। यहाँ के स्कूल का माहौल और यहाँ का सब कुछ बहुत ही अच्छा है। एंड श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल थ्रू दिस वेरी नोबल इनिशिएटिव हैज प्रूव्ड दैट टचिंग द लाइव्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज इज अ सिंपल येट अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ काइंडनेस। ग्रेट बच्चा, ग्रेट। इतना प्यारा एक्सप्लेन करके बताया हमको बच्चा। स्पीच जो था ये बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको सारा कुछ डिफाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू बच्चा। एंड मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। जॉय ऑफ गिविंग, जी हाँ, थीम है आज श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल का। आज यहाँ पर हो रहा है क्रिसमस सेलिब्रेशन, जैसा कि अभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों ने हमको इसका मतलब बताया है। लेकिन हम इसके साथ ही यहाँ के जो टीचर हैं सुजीत सर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो थीम था आज का, सर बेहद खूबसूरत थीम था, इसके बारे में आप हमें बताएं। जॉय ऑफ गिविंग, व्हाट इज़ जॉय ऑफ गिविंग? इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, really a true blessing, because the joy of giving brings hope, joy and smile among those people who are deprived from these basic opportunity that we are probably fortunate. So as a pride, I would like to take an opportunity that our school has taken an initiative for giving this act of giving. Thank you so much. The main thing is that we just want a smile on beautiful faces, those who are deprived from this. Thank you so much. Wishing you all a happy new year and a merry Christmas. मैरी क्रिसमस सर, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमको इसका मतलब समझाए हैं। इसके साथ अगर यहाँ की प्रिंसिपल अगर वो हमसे बात नहीं करेंगी, वो हमको इसका थीम नहीं बताएंगी, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो अधूरा रह जाएगा। हम सीधा प्रिंसिपल के पास चलते हैं और उनके थीम के बारे में जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में। जी हाँ, आज का जो थीम था वो था जॉय ऑफ गिविंग। बहुत सारे बच्चों ने हमको इसका मतलब बताया, सुजीत सर भी हमको इसका मतलब बताया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका पूरा मतलब अगर हमारी प्रिंसिपल श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल की नहीं बताएंगी तो वो पूरा वीडियो अधूरा रहेगा। मैम आपके पूरे परिचय से मैं आपका जॉय ऑफ गिविंग का मतलब जानना चाहूँगी। तो मैं डॉक्टर पूजा श्रृंगारपुरे,
a principal of Sri Balaji International School. Joy of giving is a very important and a very, event that is very close to my heart. Because this is an event, this is a festival for us, where children are taught that we are so lucky that we have parents to look after us, our needs are taken care of. But yes, there are a set of children who do not have people to look after them. They are in orphanages. So we have to give them the best that we have, because they are not as privileged as we are. So this, the entire joy of giving is based on this only. Experience the joy while you're giving. And science has also proved that when you give, you experience more joy than when you receive. International school mein mere khud ke bacche padhte hain, to aap samajh sakte ho ki ye school kitna unique aur kitna acha hai. Hamesha yahan pe naye activities aur naye kaam kiye jate hain. Ma'am, jaate jaate jo hamari janta dekh rahi hai aapko, unko kya message dena chahenge? बस जॉय ऑफ गिविंग जो है उसको बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि हम अगर दूसरों को देंगे उतनी उससे ज़्यादा हमें प्राप्त होगा. सो जॉय ऑफ गिविंग शुड बी अ इवेंट एंड फेस्टिवल दैट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन हु कैन अफोर्ड टू स्प्रेड हैप्पीनेस. बिल्कुल मैम, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ पे हमारा जो इवेंट है वो ख़त्म होता है, और इसके बाद हम फिर मिलेंगे किसी नए इवेंट में, कहीं नए प्रोग्राम में. आज के लिए बस इतना ही. मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए टॉक विद तमन्ना.